नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आज घर पर, चूँकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। जितने लोग ये वीडियो देखते हैं उन सबको मैं बताना चाहूँगा। देखिए, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार एक बार जो अनुकंपा नियुक्ति होती है उसमें कुछ चेंजेस करने जा रही है। चेंजेस ये होगा कि पहले क्या होता था, जो अविवाहित बेटियाँ होती थी वही अनुकंपा नियुक्ति के लिए अप्लाई कर सकती थी। बट अब जो चेंजेस होने जा रहा है वो ये है कि अविवाहित बेटियों के साथ साथ में विवाहित बेटियां भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए अप्लाई कर सकती हैं, वो भी उसके उम्मीदवार हो सकती हैं। जो चूँकि हाई कोर्ट ने अभी इस चीज़ पर खास तौर पर डायरेक्शन दिया और ध्यान भी दिया है कि चाहे विवाहित बेटियां हो या अविवाहित बेटियां हो, अगर उसके परिजन कोई गवर्नमेंट जॉब में है, अगर उनकी डेथ हो जाती है और फिर घर का कोई खर्चा चलाने वाला नहीं होता या जीवन यापन के लिए घर को चलाने के लिए कोई अगर कोई ऑप्शन नहीं होता, तो अविवाहित बेटियों के साथ में विवाहित बेटियां भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए अप्लीकेशन डाल सकती हैं और उसके उम्मीदवार होंगी। क्योंकि जो अनुकंपा नियुक्ति अधिनियम बनाया गया था उसमें अब बहुत जल्द चेंजेस होने जा रहा है। तो यूपी में अभी चेंजेस होने जा रहा है, आपकी क्या राय है? क्या पूरे देश में चेंजेस होना चाहिए? क्या विवाहित बेटियों को भी वो हक मिलना चाहिए और पूरे देश में मिलना चाहिए? अगर आपकी कोई राय है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। जय हिंद।